हूँ मैं सिर्फ पब्लिक न्यूज चैनल से। दोस्तों आज हम बात कर जहरीली शराब आप सच सुन रहे हो, जो कि एक कहराम मचा के रखी है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। को जो है पीने से 116 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, मतलब 116 लोग। आज यूपी की सरकार जो है योगी आदित्यनाथ साहब आज यूपी के अंदर क्या चला रहे हैं और किस तरीके से इतना बड़ा खुला व्यापार हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इनकी जिंदगियां जो है जो आज 116 लोग अपने बेघर हो गए हैं, जो अपने किसी ने अपने बाप से हाथ धो बैठा है, किसी ने अपने भाई से हाथ धो बैठा है, किसी ने अपने बेटे से हाथ धो बैठा है, तो इसकी जिम्मेदारी जो है ये कौन लेगा अपने सर। और इतने बड़े पैमाने पे अगर ये जहरीली शराब बेची जा रही थी और बिक रही थी तो ये प्रशासन क्या कर रहा था वहाँ पे, मतलब ये रिश्वत लेके वो चलाते थे कि मतलब इनको जानकारी नहीं थी इतने बड़े पैमाने पे। आज 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 छोटा सा भी कहीं अगर एक कोई चीज़ होता है तो आज कहा जाता है कि पुलिस ने वहाँ पे रेड डाला, पकड़ लिया वहाँ पे, और इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा। यानी ये सरकार के कहीं ना कहीं जानकारी में ये चीज चल रहा है, सरकार जानती थी कि हाँ इतना बड़ा पैमाने पे काम हो रहा है, तो इसका जिम्मेदारी, इसकी जिंदगी, इतनी सारी जिंदगी वापस कौन लेके आएगा और कौन इसका जिम्मेदार है। मैं फिर लाल मोहम्मद शेख एक फिर नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए नमस्कार।